हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार, आप सब देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। तो हम लोग बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं, और तो मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था कि हम लोग आने वाले एक नए वीडियो के साथ जो है आपको इमरजेंसी 1975 के, तो उस समय को सब लोग ऐसे डिनोट करते हैं ब्लैक पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी। आखिर इमरजेंसी के टाइम में ऐसा क्या हुआ था उसे ब्लैक पीरियड कहा गया डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं आपके पास, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, राइट टू प्राइवेसी एक राइट है, राइट टू एजुकेशन एक राइट है, और बहुत सारे हमारे पास राइट्स हैं जो ड्यूटीज भी हैं। तो इमरजेंसी के टाइम में ऐसा हुआ था कि कोई भी राइट्स आप यूज नहीं कर सकते थे, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं, कुछ नहीं है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो जेपी नारायण को अगर आप जानते हो, जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे, जेपी ने एक स्पीच दिया था रामलीला मैदान में, आपको 5.5 लाख अराउंड वहां पे आदमी लोग होंगे उस समय पर, 1975 की ये बात है, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी। तो ये तो एकदम रुखा सुखा किया, एक स्टेटमेंट पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। इमरजेंसी बहुत बड़ा चीज होता है क्योंकि सब कुछ शट हो गया, मतलब उस देश में कुछ नहीं हो सकता है उस समय, सब कुछ बंद है, एक्सटॉर्शन अलग लेवल पे रहता है, प्रेस की आजादी, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बताता हूँ कि ऐसा हुआ था, इस कारण से इमरजेंसी डिक्लेयर करें, तो आपको मजा नहीं आया, मतलब ये क्या रुखा सुखा रहा। तो हम लोग उसमें एकदम बैक से स्टार्ट करेंगे, एंड थैंक्स टू विकास बोहरा और यस अकेडमी फॉर सीएस की, मुझे अगर आप कुछ पता है, थोड़ा बहुत पता है 1-2%, तो मुझे विकास बोहरा के सर के कारण ही पता है, और मैंने सीसेट भी क्लियर किया तो उन्हीं के कारण मैंने क्लियर किया। सो आगे बढ़ते देखते हैं इमरजेंसी में क्या हुआ था। तो बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए, सबसे पहले बात करते हैं 1967 की। 1967 में आया था आपको गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, गोलकनाथ केस का बेसिक क्वेश्चन क्या था, तो इसमें एक क्वेश्चन था कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड और नॉट, क्या हम लोग संविधान को बदल सकते हैं या नहीं, मतलब ऑल्टर कर सकते हैं, कुछ चीज चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया था कि यू कैन नॉट चेंज दी कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट को आप बदल सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूं कि यू कैन, और इन अ वे यू कैन से कि यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है कि यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लिव, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, ये सारे क्या आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये सारे राइट टू लाइफ, लैंड या फिर प्रॉपर्टी एक टाइम में था जो कि अब नहीं रहा है, वो 42nd अमेंडमेंट में चेंज हो गया था। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर हुए प्रीएम्बल के, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर प्रीएम्बल का चेंज नहीं कर सकते हैं। ये गोलकनाथ केस में आया था, गोलकनाथ ने जब ये केस फाइल किया था। मैं गोलकनाथ केस या फिर आपको और भी बहुत सारे केस जो शॉर्ट में कभी ना कभी इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप लोगों को बता दूंगा, ये कोई बड़ा चीज नहीं, लेकिन इसका डिसीजन बहुत मायने रखता था। क्यों, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी को कुछ डिसीजन था जो चेंज करना था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ पार्ट को बदलने थे, इस कारण से वो चाहती थी कि इसे वो कैसे बदले, तो इसके लिए उसको प्रेसिडेंट बनना, उस समय में प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी था जो वो थी, लेकिन उस समय वो बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। मतलब अगर ये इंदिरा गांधी थी और इधर आपकी जनता पार्टी थी, उस समय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती थी, जनता पार्टी कहलाती थी, तो उस समय ये चीज अगर वो चाहती कि इसे चेंज कर दे जो जजमेंट आया है, तो वो पॉसिबल नहीं था, पार्लियामेंट में बिल पास करके ऐसा नहीं कर सकती थी। तब 1967 में जब ये केस आया, उसके बाद 1971 भी आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी मूवी देखते तो उसमें 97 का वॉर के जिक्र किया जाता है कि 1971 जो हुआ था आपका बांग्लादेश फॉर्म हुआ था आपका 1971 में। और एक 1971 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने तभी इलेक्शन जीता था। तो बांग्लादेश वॉर के बारे में सिंपल सा आपको बताता हूँ कि ये आपका इंडिया हुआ,
ये आपका था वेस्ट पाकिस्तान, तभी मतलब अभी जो नॉर्मल आपका पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान, और ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब आपका बांग्लादेश है। तो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बोले वहां पे मतलब रेप बहुत ज्यादा था, एक्सटॉर्शन बहुत ज्यादा था, जितना भी पैसा सबको छीन जाता था, और मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब इतना गंदा कंडीशन था कि बांग्लादेश के लोग मतलब ईस्ट पाकिस्तान के समय के लोग उठ करके इंडिया आने लगे, सब लोग इंडिया आने लगे। तो उस समय इंदिरा गांधी को रियलाइज हुआ कि नहीं, बांग्लादेश को भी बचाने को लेकर, क्योंकि ये बांग्लादेश में जितने भी हैं वो हमारे ही हैं, मतलब अगर बगल में पड़ोसी जैसे आपका नेबर आता है तो ये बांग्लादेश उस समय मतलब ईस्ट पाकिस्तान हमारे लिए नेबर था। तो हमने क्या किया था, अपनी आर्मी को इधर भेजा था, और फिर यहाँ पे INS विक्रांत के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो ये भी एक अलग स्टोरी है, आप ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो जैसे ही पाकिस्तान यहाँ पे आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे इंडिया पहले से तैयार था, तो इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, और तभी आपका बांग्लादेश फॉर्म हो गया। तो बांग्लादेश जब फॉर्म हुआ तो आदमी लोग को सबको लगा कि यार मतलब इस लेडी में दम है, तभी इंदिरा गांधी को और एक नाम पड़ा था आयरन लेडी, तब से उन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। पहले उन्हें इतना कहा नहीं जाता था, मतलब कि वो बड़ी सांसद उतनी बोलने वाली नहीं, जस्ट लाइक मनमोहन सिंह, वो तो लास्ट तक कुछ नहीं बोले, इंदिरा गांधी पहले नहीं बोलती थी, लेकिन जब वो जीत गई बांग्लादेश वॉर जीतने के बाद वो मतलब तब उसके बाद आपने जितना भी उसका स्पीच उनका स्पीच देखा होगा, तो आपने बांग्लादेश वॉर के बाद ही उनका वैसा स्पीच देखा होगा जिसमें वो बहुत ज्यादा बोल रही है। तो यहाँ पर से उन्हें पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। अब देखो 1971 में जैसे उन्होंने ये बांग्लादेश का वॉर जीता, ओके सॉरी 1971 में जैसे उन्होंने बांग्लादेश का वॉर जीता, अब बात क्या था कि जैसे इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में दो पार्टी थी, इंदिरा गांधी वर्सेस, और ये इलेक्शन कहां से लड़ता है, कांग्रेस जिस जगह से लड़ता है उसका नाम है रायबरेली। रायबरेली से दो ही बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस हारा है, एक अभी जस्ट हुआ और एक पहले जिसमें इंदिरा गांधी हारी थी, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे थे आपके राजनारायण, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, अभी सब चीज लिंक होगा, सब हर एक चीज मैं आपको लिंक करके दिखाऊंगा कौन कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी जीत गई थी और अच्छे खासे जीत से सीट से जीती थी, 352 सीट्स, मतलब ऐसा कभी कभार जीत होता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी एक बार सबसे तगड़ा जीते थे, और फिर ये इंदिरा गांधी 352 सीट्स से इंदिरा गांधी जीत गई थी, इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण। लेकिन राज नारायण को उस समय लगा कि इंदिरा गांधी कुछ फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड इन द सेंस वो क्या कर रही थी, स्टेट मशीनरी को यूज कर रही थी। तो स्टेट मशीनरी क्या है, उस समय जैसे कि आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के थे, डीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, मतलब एसपी हो गए, ये सारे हो गए। और एक बड़ी बात थी कि जितना भी उनको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, वो स्टेट को दे दिया था कि ये स्टेट का खर्चा है, उनका खर्चा नहीं है। और इन्हीं सब कारण से राजनारायण को लग रहा था कि उन्होंने इंडियन इन्फेंट्री का यूज किया है, इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है, और उन्होंने एक केस फाइल कर दी, एक PIL डाल दी। PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उन्होंने डाला। और इनके जो वकील थे राजनारायण थे, उनका नाम क्या था, जगमोहन सॉरी शांति भूषण। शांति भूषण कौन थे, वकील थे राजनारायण का। ये केस आ गया, ये केस आपका गया अलाहाबाद हाईकोर्ट में, अलाहाबाद हाईकोर्ट, जहां के जज उस समय इस केस को जो देख रहे थे उनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। जगमोहन लाल सिन्हा के पास कौन सा केस गया था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ठीक है। तो ये केस आपको पैरेलली चल रहा है, ये कब हुआ था 1971 में, ये केस कब हो गया 1971 में। आप पहले सीक्वेंस देखो, 1967 में क्या हुआ, गोलकनाथ केस हुआ, जिसमें डिसीजन आया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, यू कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके 1997 में क्या हुआ, बांग्लादेश वॉर हुआ और बांग्लादेश जीत गई, इंदिरा गांधी जीत गई एक तरीके से, इंदिरा गांधी जीती। उसके बाद 1971 में क्या हुआ, 1971 में इलेक्शन हुआ इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, जिसमें इंदिरा गांधी जीत गई और काफी अच्छी वोट से 352 सीट से वो जीती, जिसपे राजनारायण को डाउट हुआ और उसने शांति भूषण के साथ एक PIL दाखिल की अलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसके जैसे जगमोहन लाल सिन्हा। अब ये सब इधर हो रहा है, इसके साथ साथ 91 में तीन मेजर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ,
जिसे मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ पर बताता हूँ 1971 में। और टीम इंडिया की तीन जगह हो रहा था, एक आपका गुजरात, बिहार और रेलवे यूनियन। गुजरात और बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में उस समय फेयर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मैं अगर आपको बताऊं तो 70s का टाइम ऐसा टाइम था जो मतलब कंट्री की कंडीशन बहुत खराब थी, रेस्ट्रिक्शन उस समय बहुत लगा था, जैसे अभी ऐसे बहुत ज्यादा उस समय में था। 70s में बहुत गंदा रेसेशन इंडिया में था, 80s से हम लोग सुधरना स्टार्ट किए थे। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया कि हॉस्टल की फीस बढ़ा दिए, पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया, तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट गुजरात में उठने लगा। और जैसे जैसे गुजरात में उछ रहा था वैसे ही बिहार में भी आपका प्रोटेस्ट डरने लगा, जिसको लीड कर रहे थे जेपी नारायण। मतलब इनके बारे में क्या ही कहना, अगर आप बिहार कभी भी आए हैं तो आपको एयरपोर्ट पे नाम लिखा पड़ होगा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो जयप्रकाश नारायण मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब उनको कौन नहीं जानता, उनको सब जानता था। उनके एक स्पीच के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, तो वो ऐसे शख्स थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण इस चीज को लीड कर रहे थे, और वो आपको कभी भी इलेक्शन में नहीं आए, मतलब वेरी प्रोफाउंड हिस्ट्री है उनका, अगर आप कभी चाहो तो उनके बारे में पढ़ सकते हो, जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो यहाँ पर गुजरात में प्रोटेस्ट चल रहा था, सेम आपको बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट का, और रेलवे यूनियन में प्रोटेस्ट चल रहा था। इनके प्रोटेस्ट चल रहा था वेजेस को लेकर के, कि इनको क्या चाहिए था, अब चाहिए था इसके, इसमें चाहिए था ऑल्टरेशन, चाहिए था कुछ सुधार चाहिए था। तो ये तीन चीज भी साथ में हो रहा था, तो एक तरीके से इतना कुछ जब साथ में चलते रहा, तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया। अच्छा, वो बताने से पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत गई थी 1971 में, और 1967 में आपका ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस आया था, इस पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको बदल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, मतलब कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को आप पूरी तरीके से अमेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहती थी इंदिरा गांधी, जो उसने कर दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा सीट था 352 सीट, तो उसने पार्लियामेंट में बिल पास किया और बिल पास भी हो गया। अब ये सब जब चल रहा था, इसके साथ आई गेस तभी आया था दी बेस्ट, मैं आज तक कहता हूँ दी बेस्ट केस इंडिया में जो हुआ, वो आपको हुआ 1973 में। 1973 कौन सा केस हुआ था, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब ये क्यों हुआ था पहले से समझते हैं, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशव नंदा भारती एक सेंट थे, एक साधु थे वो, और केरला गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करने के लिए, मैं आपको पहले बताया था कि लैंड जो था पहले आपका एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको बाद में एक लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट इन द सेंस कि गवर्नमेंट जब चाहे तो जो लैंड ले सकती है, जैसे आज आप देखते हैं कि रोड बनता है तो गवर्नमेंट वो लैंड ले लेती है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि पहले वो फंडामेंटल राइट था। 42nd अमेंडमेंट के बाद ये आपको हुआ था, 42nd अमेंडमेंट के बाद किसकी बात कर, लैंड जो थी आपकी वो कौन सा राइट बन गई थी, लीगल राइट, 42nd अमेंडमेंट में ऐसा हुआ। तो केशव नंदा भारती का भी बहुत सारा जमीन था, मतलब बहुत सारे एकड़ में जमीन था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कितने एकड़ का था, तो उसे केरला गवर्नमेंट आ गई और कुछ हिस्सा उसके मांगने के लिए। तो उस समय उनको किसी ने फोर्स किया या फिर कहा था, मुझे उनका नाम याद नहीं, मैं दिमाग से उतर रहा है, मुझे पता था उनका। तो उन्होंने फोर्स किया कि आप PIL डालो, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन आप डालो, देखो फिर क्या होता है, मतलब कि आप इस चीज के लिए केस लड़ सकते हो। तभी होता केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आप किसी से पूछो ना कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस, मैं आप पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस किसी भी कोर्ट में कितने हैं, तो आपको सब बोलेगा कि मैक्सिमम 3-13 है, 13 आपको लास्ट में बोला जाता है। तो आखिर ये 3-13 का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं आपको जज के बारे में बताऊं तो तीन टाइप के आपके होते हैं बेंच, एक होता है सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच और सीनियर बेंच। सिंगल बेंच एक जज होते हैं इसमें, डिविजनल बेंच में दो जज होते हैं, और सीनियर में होता है 3-13।
अब ये 3 to 13 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में मात्र एक ऐसा केस है जिसमें 13 जज बैठे थे, वो था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें 13 जज बैठे थे और इसका इसमें भी जो डिसीजन आया था वो अपहेल्ड किया था गोलकनाथ केस में जो डिसीजन आया था, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी अमेंडेड, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नेवर बी अमेंडेड, मतलब आप जो चाहो बदलो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मैग्ना कार्टा बेसिक स्ट्रक्चर को आप कभी नहीं बदल सकते हो। ये आया था 1973 केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, जो कि फिर से इंदिरा गांधी का लगा कि आप इंदिरा गांधी सोचे कि अब वो क्या करेंगे, ये सब 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 एक साथ चल रहा था। और फिर इन सब के साथ चलते चलते फिर आया द मेन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 1975, जो आपका मेन था इमरजेंसी का पीरियड 1975। उस समय क्या हुआ, जो केस इंदिरा गांधी पे चल रहा था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस था, इसका जजमेंट आ गया। अच्छा मैं एक चीज में बताना भूलिए, मैं आपको बता रहा हूँ केशव नंदा भारती ने एक जो 13 जजेस थे इसमें और क्या कह रहा था, मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग है, इस पे मैं अलग वीडियो भी बना सकता हूँ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें क्या हुआ कि जो सीजीआई के होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कहां बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये केस कहां था, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, तो एक दिन जजमेंट आने से एक दिन पहले, एक दिन बाद जो सीजेआई थे वो रिटायर होने वाले थे, और ये जो आपको 13 जजेस थे इसमें जीत कैसे हुई थी 7:6 के रेशियो में, मतलब 7 ने कहा था नो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी अमेंडेड, 6 ने कहा था यस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी अमेंडेड। तो इसमें एक जज जो थे, ये सारे ये सीजेआई हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये सारे कौन हुए जो 13 और थे, ये सारे आपके नॉर्मल जज थे, तो सीनियर जज थे। तो इसमें एक जज थे जस्टिस रॉ, जस्टिस रॉ मतलब सबसे ज्यादा पक्ष में थे कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी अमेंडेड। वो कौन चाहती थी, इंदिरा गांधी भी यही चाहती थी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी अमेंडेड। इस कारण से उसने इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जब ये आपका जस्टिस आ गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता, और उसके दूसरे दिन ही सीजेआई रिटायर होने वाले थे, तो आपको 3 सीनियर जजेस होते हैं उनके नीचे, मतलब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके नीचे 3 सीनियर जजेस होते हैं। तो अगर कोई सीजेआई रिटायर होता है तो मोस्ट सीनियर जज है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट से पूछ करके डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट सीजेआई कौन होगा। लेकिन उस समय में 4th पोजीशन पे आते थे आपके रॉ, जस्टिस रॉ आपके 4th पोजीशन पे आते थे, और इंदिरा गांधी क्या की उसे जज बना दी, सीजेआई बना दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दी। तो इससे क्या हुआ, इस उन्नत में मतलब वो 3 जज अपने रिस्पेक्ट में एक्चुअली कहा जाए तो उन जो 3 जजेस थे जो जस्टिस रॉ से ऊपर थे उन तीनों ने रिजाइन कर दिया था। तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था कि आखिर ऐसा क्या होगा कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ रिजाइन कर दिया। तो उनका कारण थी इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जस्टिस रॉ को उसके बाद सीजेआई बना दिया। अब आप एक चीज देखो, बहुत सही चीज था, 3 चीज आपको मैं आपको बताऊं तो इंडिया में बोला जाता है 3 मेन पिलर होते हैं, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर। आप देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर था, इंदिरा गांधी के अंदर था, पार्लियामेंट उसके अंदर पहले से था, और आपका एग्जीक्यूटिव भी सब उसके अंदर था, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी तीनों का तीनों उसके अंदर था। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जो होता है आपका इंडिया में, यहाँ पे मैं डेमोक्रेसी लिख देता हूँ, जिसे हम लोग हमेशा बोलते हैं मीडिया, ये चारों के चारों किसके कंट्रोल में थे, ये चारों के चारों इंदिरा गांधी के कंट्रोल में थे। तो अब सिचुएशन सोचो कि हर एक चीज इंदिरा गांधी के कंट्रोल में, वो जो चाहे वो सब कुछ उस समय कर सकती थी। तो ये आपका 1975 में चल रहा था, उसके बाद तब तक में इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण का डिसीजन आ गया। तो इस इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण में ये डिसीजन आया जो आपके जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने दिया,
कि जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ वो सब के सब सही है। तो इसके बाद इन्होंने क्या दिया जजमेंट इस पे कि वो आप कुछ नहीं कर सकती, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती और सी नॉट सपोज टू बी द पार्ट ऑफ लोकसभा, लोकसभा के भी वो पार्ट नहीं रह सकती है। तो ये सारा जजमेंट कौन दिया? अलाहाबाद हाईकोर्ट दिया, जगमोहन लाल सिन्हा ने दिया। तो उसके बाद लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी, इंदिरा गांधी बोली कि नहीं मैं इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं हूं। तो जब भी आप हाईकोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तब आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तब वो पहुंच गई कहां? तब वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आप देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ 1975 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन को अलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तभी जस्टिस राव नहीं थे, जस्टिस राव चले गए थे क्योंकि उस समय एक जज एक ही साल रहता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया अलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को और उन्होंने कहा कि जो भी चार्जेस मतलब जो भी सजा इन्होंने दिया वो सब सही है, लेकिन उसमें से एक हटा दिया कि सी कैन बी बी प्रेसिडेंट, सी कैन कंटिन्यू एज अ प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड कंटिन्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर के जो है वो कंटिन्यू कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। कहां से नहीं लड़ाई पड़ेगी सी, मतलब वो आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। तो जब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ गया आपको 1975 में, अब उसके एक दो दिन बाद या फिर आई थिंक सो मैं अगर डेट देख लूँ तो ये डिसीजन आया था 12 जून 1975 में, आई गेस हाँ यहाँ भी है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में जगमोहन सॉरी जेपी नारायण जयप्रकाश नारायण ने 5.5 लाख लोगों के सामने में एक स्टेटमेंट दी। आप वो सुनिए कि वो स्टेटमेंट क्या था, सुना ध्यान से। अगर इंडिया के पुलिस को या फिर आर्मी को ऐसा लगता हो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया आपको अगर आदेश लगे कि उसे नहीं मानना चाहिए तो आप वो नहीं माने, मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को इंडियन आर्म फोर्सेस को या फिर इंडियन पुलिस को कोई भी ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहें और उन्हें लगे मतलब इंडियन आर्मी को और इंडियन पुलिस सर्विस को अगर ऐसा लगे कि इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये जनहित में नहीं है, ये देश की भलाई के लिए नहीं है, तो वो लोग फॉलो ना करें। तो इस चीज को मेन मुद्दा बनाया किसने? इंदिरा गांधी ने। और रातों रात 3 बजे प्रेसिडेंट भी इसके अंदर ही थे, उनका नाम बोल रहा हूँ वो भी उनके अंदर थे, रातों रात 3 बजे 3 AM को उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया इंडिया में। मतलब अब वो इमरजेंसी क्यों चाहती थी, ये बहुत बड़ा चीज है कि इमरजेंसी वो क्यों चाहती थी। एक तो जयप्रकाश नारायण का स्टेटमेंट जो कि वो बहुत बड़ा बात नहीं है, मेन चीज था ये अलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहेल्ड किया था कि इंदिरा गांधी को वर्डिक्ट माना जाएगा और आपको उसको चेंज करना था, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीज के लिए वो इमरजेंसी चाहती थी कि इंडिया में इमरजेंसी लगा दी जाए। जैसे इंडिया में इमरजेंसी घोषित हुआ उसके बाद क्या हुआ ये मैं आप सबको बताता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ इमरजेंसी लगने के बाद। मतलब ऐसा ऐसा चीज हुआ जो मैं स्क्रीन पे बोल भी नहीं सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ ऐसी चीज जो आपको जानना जरूरी है। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के साथ गए थे सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर के, इंदिरा गांधी वर्सेस राजेंद्र नारायण का, संजय गांधी उसमें में बहुत बड़ा लीड थे इसमें आपको डेमोक्रेसी सॉरी इमरजेंसी लगाने के पीछे। संजय गांधी हर एक मीडिया को एक्चुअली उस समय दूरदर्शन आप अभी भी जानते, लेकिन उस समय दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल था जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता था, ना ही स्टेट ना ही सेंटर दोनों के अंदर नहीं आता था। मतलब अगर गवर्नमेंट को भी कुछ जानना है फिर कुछ कोई नेता को भी लीडर को भी कोई बात जानना है तो वो दूरदर्शन से ही उन्हें पता चलता था, दूरदर्शन बात फुली मैं क्या कहूँ उसे फ्री थे वो लोग पूरे फ्री थे। लेकिन संजय गांधी उसमें दूरदर्शन पे भी रोक लगा दी कि दूरदर्शन का हर एक न्यूज पहले वो देखेंगे तभी ब्रॉडकास्ट होगा। सेम भी तो ऑल दी न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन जितने भी न्यूज़पेपर की दुकान थी या फिर एजेंसी थी उन सबका इलेक्ट्रिसिटी कार्ड दिया गया, मतलब कोई भी आप प्रिंट नहीं कर सकते विदाउट दी अप्रूवल ऑफ द संजय गांधी। जब तक वो न्यूज को नहीं देखते जब तक वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं आप कुछ भी ऐसा न्यूज में नहीं डाल सकते हैं। तो पहला चीज ये हुआ आपको। उसके बाद
आरएसएस के जितने भी बड़े बड़े या फिर आपको कि जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े उस समय के लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी। मैं तो मैं नाम बताता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी वॉज दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आई हैव एवर सीन। मतलब कि हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमें एक ही टाइम पे दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर विद दी बेस्ट प्रेसिडेंट देखने को मिला, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी विथ एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब दोनों ही खतरनाक, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, जगमोहन लाल सिन्हा और भी बहुत सारे, सॉरी जगमोहन लाल सिन्हा बोल रहा हूँ, जेपी नारायण और भी बहुत बहुत बड़े 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 लीडर जो थे आरएसएस के, जनता पार्टी के, उन सबको जेल में डाल दिया गया। और कितने टाइम के लिए जेल में डाला गया था, फॉर 21 मंथ्स, मतलब 21 मंथ के लिए उन्हें जेल में डाला गया। तो 21 मंथ बहुत ज्यादा होता है, मतलब 3 मंथ और जोड़ लो तो 2 साल, तो अप्रोक्सीमेटली 2 साल के लिए इन्हें जेल में डाला गया था। तो और उसी साथ इंदिरा गांधी ने क्या किया, जितने भी लिटिगेशन, जितने भी चार्जेस उस पे लगे थे सबको वेव्ड ऑफ कर दिया गया। मतलब जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चार्ज था सबको हटा दिया गया, और वो जो चाहती थी उसके बाद वो कर सकती थी। मतलब बेसिक कारण ये था आपका इमरजेंसी, इमरजेंसी लगाने का, इमरजेंसी लगाने का। इंदिरा मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी गुड लीडर, आई डोंट थिंक सो कि इंदिरा गांधी वॉज वेरी गुड लीडर एट दैट टाइम। अगर आप 1971 की वॉर के बारे में बात करो तो मैं बता दूंगा कि वो चार ऐसी चीज थे जिसके कारण वो जीते थे, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, और दूसरा था आपका रशिया जो इंडिया के साथ उस समय खड़ा हो गया। अगर रशिया उस समय खड़ा नहीं होता तो इंडिया जीत नहीं पाती। ऑल्दो दैट वाज अ बोल्ड डिसीजन कि आप डायरेक्ट, मतलब तुरंत ही आपका देश आजाद हुआ है और उसके बाद रिसेशन चल रहा है, पैसा है नहीं, मंदी का टाइम है, एंड देन आप कोई और देश की मदद करने जाओ, तो दैट वाज अ बोल्ड डिसीजन। बट जो जो काम इंदिरा गांधी ने खुद को बचाने के लिए किया दैट वाज नॉट राइट। मतलब इतने लोगों का हत्या हो गया, मतलब इन लैक्स, मतलब लाखों करोड़ों में आदमी लोग को मार दिया गया, जिसको जिसपे सबको डायरेक्ट उठाओ जेल में डालो, या फिर ज्यादा थोड़ा सा खो रहा है तो शूट कर दो, कोई देखने वाला नहीं, कुत्ते की तरह सब लोग पड़े हैं रोड पे। तो That was very bad period as of now। मतलब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जैसा आपको उस मूवी देखने को मिला था, नाम सुन रहा हूँ संजय देओल का, संजय देओल की मूवी थी, उसमें भी जब आपको वो पंजाब और इसका था पाकिस्तान का, जो इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ था, तो कैसे आपको ट्रेन भर करके लाश आता था। आई सॉ इन डॉक्यूमेंट्री कि उसमें एक अंकल थे, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का रेप उनके सामने में हुआ था। मतलब उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं दोगे, भेजोगे लड़की को, तो हम जितनी लड़के सबको रेप करेंगे। तो उनके डॉक्टर को खुद जाना पड़ा था। तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के टाइम में, और वैसा ही सिचुएशन था आपका इमरजेंसी 1975 के टाइम में। एंड दैट्स वाई कि आप कांग्रेस, और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 1977 में, आई गेस, हाँ 1977 में, 1977 में जो इलेक्शन हुआ उसमें आपको पहली बार जनता पार्टी जीती थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि रायबरेली से लड़ा हुआ कांग्रेस का आदमी हार गया, जैसे कि इंदिरा गांधी हार गया, और इस समय तो पता ही आपको कौन लड़ा। और उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर आपके बने, तो मोरारजी देसाई, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं काल हूँ, तो मोरारजी देसाई उसके बाद जो थे आपके प्राइम मिनिस्टर बने। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जनता पार्टी का कोई भी लीडर एक प्राइम मिनिस्टर बना। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका इमरजेंसी 1975। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस था, केस ऑफ अन्ना भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इन दिस केस मतलब हम लोगों ने देखा कि 13 दिन थे, और एक दिन के बाद आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो रिटायर करने वाले थे। तो मैं अगर आपको एकदम छोटा सा रिकैप केस समझा दूं तो वो कुछ ऐसा होगा। इमरजेंसी 1975, आखिर इसको नाम दिया गया था ब्लैक पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी। इसको ब्लैक पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय बहुत सारे चीज हुआ। तो मैं अगर आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं तो जयप्रकाश नारायण ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया 3 बजे सुबह में, इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया। तो उसके पीछे क्या क्या कारण था, पहला था 1967 का गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें डिसीजन आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी अमेंडेड, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को भी वो चेंज कर सके। उसके बाद 71 में हुआ इंडिया पाकिस्तान, सॉरी काइंड ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर, जैसे बांग्लादेश फॉर्म हुआ आपका। तो बांग्लादेश फॉर्म होने के बाद बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा इंदिरा गांधी का पूरे इंडिया पे कि यार ये आयरन लेडी है।
और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ 1971 में इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था आपका, रायबरेली में, तो इंदिरा गांधी बॉम्बे सीट पर 350 से उन्होंने सीट जीता था, 350 सीट जीता था। तो राजनारायण को डाउट हुआ कि इंदिरा गांधी इतना कैसे जीत सकती है, और उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल किया विद द हेल्प ऑफ शांति भूषण जो उसके एडवोकेट थे, और उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जगमोहनलाल सिन्हा। एलिगेशन क्या क्या लगाए गए थे कि इंदिरा गांधी ने स्टेट मशीनरी को यूज किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जितने भी डीएम एसपी उनको यूज किया गया, इंडियन एयरफोर्स को यूज किया गया, और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पड़ी थी वो डाल दिया गया स्टेट के मध्य पे, जिसका डिसीजन आया 1971 में केस आपको लगा। और फिर आगे उसके बाद हम लोग बढ़े तो फिर हम लोग देखें कि 1971 में एक और चीज होना था आपका, गुजरात बिहार और रेलवे यूनियन, गुजरात और बिहार में स्टूडेंट ने स्ट्राइक्स किया था। क्यों किया था? क्योंकि 1970s में आपका रिसेशन चल रहा था और उसमें प्राइस जो थी आपको फी जो थी वो बढ़ा दी गई थी, तो इस कारण से गुजरात में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। सेम बिहार में क्या जिसको लीड किए थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, द वन ऑफ द मेन पर्सन और द मेन पर्सन बिहाइंड द इमरजेंसी। रेलवे यूनियन के साथ भी सेम चीज था उस समय कि उनको वेजेस बढ़ाना था, ये सब आपका 1971 में चल रहा था। और तब तक में आपको 1973 में हो गया केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें आ गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। और उसके बाद 1975 में आ गया इस केस का, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस का डिसीजन, और उसमें क्या डिसीजन आया था कि इन्हें गिल्टी पाया गया था, और इस पे चार्जेस क्या क्या लगाए थे कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, 6 साल ये आ नहीं सकती है लोकसभा के लिए। तो उसके बाद इंदिरा गांधी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को अपहेड किया, और बहुत लोगों ने ये प्रेज किया था ये डिसीजन को, मतलब ये बहुत बड़ी बोल्ड डिसीजन था, जगमोहनलाल सिन्हा को ब्राइज बनने का कोशिश इंदिरा गांधी ने किया बट ही रिफ्यूज, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डिसीजन को अपहेड किया, बट एक इनको फ्री हैंड दिया गया कि सी कैन कंटिन्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर 1975 में ये हुआ। उसके बाद जैसे ये हुआ 12 जून को और 25 को या 27 आ गया 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में एक स्पीच दिया जिसमें 5.5 लाख लोग खड़े थे, और उन्होंने कहा कि इफ इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस को लगे कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन जो ऑर्डर उन्हें दिया है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, वो जनहित में नहीं है, तो वो उसे फॉलो ना करें, तो और इंदिरा गांधी ने इसे बेस बना करके और वो अपने पे सारा चार्जेस हटाने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की। इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, मीडिया को फ्री हैंड नहीं दिया गया, हर एक चीज को देखा जाता था, एक्सटॉर्शन अलग लेवल पे था, किसी को मार दिया जाता था, किसी को जेल में डाला जाता था, आरएसएस के मेन लीडर्स जेल में थे जैसे कि जेपी जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जेल में थे। सोशल लॉस कुछ नहीं था, फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं, उस समय कोई पूछ नहीं रहा था, राइट टू प्राइवेसी कुछ नहीं था आपका, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सब सब हट गया था। और उसके बाद आया था और 1977 में जब फिर से इलेक्शन हुआ तब जनता पार्टी जीत गई और मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप यूट्यूब पे जाके पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड लाइक टू थैंक विकास बोड़ा सर और यस अकेडमी फॉर सीएस एंड चिराग चिटरानी ऑब्वियसली फॉर दिस। मुझे कुछ भी अगर इमरजेंसी पार्ट में एक दो मतलब 0% भी पता है तो फिर उन्हीं दोनों के कारण पता है, द वन चिराग चिटरानी एंड विकास बोड़ा सर। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो।